दिल्ली में आज फिर भड़की हिंसा, दिल्ली के कई इलाकों में पथराव और आगजनी। भजनपुरा में सीए के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, सड़क पर खुलेआम एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। गोकुलपुरी की बात करें तो यहां सीए के विरोध और समर्थन में हिंसा जो हुई, उपद्रवियों ने यहां टायर मार्केट में आग लगा दी। दिल्ली हिंसा में अब तक कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली की बात की जाए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो हिंसा में दहल रही है। हालांकि अब पुलिस व्यवस्था कल से ज्यादा चौकस नजर आ रही है, लेकिन अभी तक उपद्रवियों ने उत्पात मचाना छोड़ा नहीं है। दिल्ली के भजनपुरा में आज लगातार दूसरा दिन भी हिंसा के नाम रहा, लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू हैं, खुलेआम सड़कों पर एक दूसरे को पीट रहे हैं। कभी एक गुट दूसरे गुट पर बाहरी पड़ रहा है तो कभी दूसरा गुट पहले वाले गुट पर हावी हो जा रहा है। कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता, हाथों में लाठी डंडे पत्थर लेकर खुलेआम पुलिस के सामने उपद्रवी हिंसा मचाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले एक गुट के हाथ दूसरे पक्ष का एक शख्स आ जाता है, हिंसा और हिंसक भीड़ सड़क पर गिराकर उसकी जमकर पिटाई कर देती है। थोड़ी देर में दूसरे गुट के लोग आते हैं और दूसरे पक्ष के शख्स को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। बड़ी मुश्किल से शख्स अपनी जान बचाकर भागता है। ये तस्वीरें देखिए, भजनपुरा की ये तस्वीरें सामने आई हैं और यहां आपको बता दें कि कुछ पुलिसकर्मी आसपास भी हैं, लेकिन हिंसा पर उतारू लोग, ये उपद्रवी एक दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। एक गुट दूसरे को पीटता है, दूसरा गुट फिर अपनी जान बचाते हुए भागता है। ये देखिए शख्स को कैसे दीवार फांदकर कूदने को मजबूर हो जाता है। तो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, हालांकि कल गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उसके बाद निर्देश जारी किए गए थे कि हिंसा को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी कुछ तस्वीरें वैसी ही आई जैसा कल हिंसा के दौरान देखा गया। कुल मिलाकर अभी तक उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया उसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए शख्स को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसके बाद ये शख्स कैसे दीवार फांदकर कूदने को मजबूर हो गया। हिंसा की लगातार तस्वीरें आने के बाद यूपी में भी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एहतियात बरती जा रही है। सीए को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच आज दिल्ली में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सीए पर मचे बवाल के बीच दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की भी मौत हो गई है। वहीं हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 से 7 के बीच बताई जा रही है और इसी बीच खबर आ रही है कि गोकुलपुरी स्थित टायर मार्केट से जहां प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की है, जहां आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, वहां मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई हैं। तो आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कल का मंजर बेहद भयानक था और ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ी राहत होगी। हालांकि आज कल से राहत है, लेकिन कुछ जगहों पर दो गुट आपस में भिड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो रही हैं। और कुल मिलाकर अभी खबर ये आ रही है कि 6 से 7 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है, कुल मिलाकर 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। फिर चाहे भजनपुरा हो, खजूरी, गोंडा, मौजपुर, जाफराबाद, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दरअसल सीए के विरोध में कुछ लोग बैठे हुए थे और उसके बाद सड़कों को जो जाम किया गया, मेट्रो उनके चक्कर में बंद करनी पड़ गई और उसके बाद आम लोगों का गुस्सा भी फूटा और दो गुट आपस में भिड़ गए।